हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। इस वीडियो में हम देखेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, क्लास 10th हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 1। तो देखिए, स्टार्टिंग में जो है ना, मैं आपको पूरा जो चैप्टर है स्टार्टिंग में ये बताया गया है इस पेंटिंग के बारे में। मेनली इंपॉर्टेंट जो है ये फर्स्ट पेज पे पेंटिंग बनाई गई है। ये पेंटिंग कौन सी है? द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, ड्रीम ऑफ वर्ल्ड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक रूसो इन 1848। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 2012 में आया था, और इस पेंटिंग से 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि ये पेंटिंग कब बनी थी। 1848 में बनी थी। किसने बनाई थी? फ्रेडरिक रूसो ने बनाई थी। फ्रेडरिक रूसो कौन सी कंट्री के थे? ये फ्रांस के थे। इस पेंटिंग का नाम क्या था? तो नाम बिल्कुल याद कर लीजिए, 2-3 बार क्वेश्चन आ रखा है बोर्ड में। द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, ठीक है, ये चार प्रिंट्स थे, उनमें से एक था। तो इस पेंटिंग में हमें क्या देखने के लिए मिलता है? ये देखिए, ऊपर क्या है, ऊपर हमें क्राइस्ट दिख रहे हैं, जीसस क्राइस्ट दिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमें एंजल्स दिख रही हैं, है ना। और यहाँ पर देखिए, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी हमें दिख रहा है, और कितनी बड़ी मार्च हो रही है, ये देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा कितनी बड़ी लाइन में लोग आ रहे हैं। तो ये जो है ना, इसमें काफ़ी सारे नेशंस के लोग हैं, अलग अलग देशों के लोग हैं, जैसे कि इसमें फ्रांस के लोग हैं, जर्मनी के, US के, इटली के, हर देश के लोग इसमें हमें अलग अलग झंडे लेकर के दिखाई पड़ रहे हैं। तो देखिए, इसमें स्टार्टिंग में बताया गया है कि 1848 में फ्रेडरिक रूसो, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट हैं, उन्होंने चार सीरीज़ का एक प्रिंट स्टार्ट किया, ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, इसका उन्होंने नाम दिया। अब पहला प्रिंट जो था इस सीरीज़ का, वो हम लोगों ने अभी पिक्चर में देख लिया है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है यूरोप और अमेरिका के लोगों को, मेन और वेमेन, हर एज के, हर सोशल ग्रुप के, हर सोशल ग्रुप के मतलब चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, हर सोशल ग्रुप के लोग हमें इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन, एक लंबी सी ट्रेन हम लोगों ने अभी देखी है। देखिए कितनी लंबी सी जो ट्रेन टाइप की है, इसमें सारे के सारे लोग जा रहे हैं। तो मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय, ये देखिए ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ये वाला, ऑफरिंग होमेज, होमेज कहते हैं कि इससे कहते हैं नमस्कार करना या फिर सल्यूट करते हुए जाना, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को वो इस तरीके से पास कर रहे हैं निकल के होमेज दे करके। हम आर्टिस्ट जो है वो किस टाइम के हैं? ये जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने लिबर्टी को पर्सोनिफाई किया था एज अ फीमेल फिगर। देखिए लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस, मतलब आपके ऊपर कोई फालतू के रेस्ट्रिक्शंस, कोई फालतू के बंधन नहीं लगाए जाएंगे। जैसे कि हमारे देश में है कि आप लोगों को जो आप बोलना चाहते हैं वो बोलने का हक है, जहां आप घूमना चाहते हैं वहां घूमने का हक है। तो आप पे कोई फालतू की रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई हैं, वही होती है लिबर्टी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फीमेल फिगर है जिसने टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट लिया हुआ है और चार्टर ऑफ राइट्स लिया हुआ है, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन द अदर, एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है, फीमेल फिगर है जो एनलाइटनमेंट दिखाती है। तो पेड़ बन गया, ये देखिए एक टॉर्च टाइप की आप समझ लीजिए, टॉर्च मान लीजिए, अब देखिए टॉर्च, एक हाथ में जो है फीमेल फिगर जो लिबर्टी को शो कर रही है, उसके एक हाथ में टॉर्च है और एक हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, मतलब जैसे कि चार्टर, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारे देश का, संविधान है, वो हमें बताता है कि ये हमारे राइट्स हैं, ये हमारे हक हैं। तो वही हकों का एक पूरा पत्था जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है वो दूसरे हाथ में है। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द शटर्ड रिमेन्स ऑफ सिम्बल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। तो देखिए क्या, ज़मीन पर हाथ में ऊपर लिबर्टी जो आज़ादी है उसको दर्शा रहा है, एक एनलाइटनमेंट की लोगों के अंदर बुद्धि आ गई है, मतलब लोग जागरूक हो गए हैं, एक हाथ में लोगों के क्या राइट्स होंगे वो है, और ज़मीन पर पड़ा हुआ है एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन सिम्बल्स। एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है? ये देखिए यहाँ पर हमें बता रखा है, एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है कोई गवर्नमेंट या फिर ऐसा सिस्टम ऑफ रूल्स जिस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, मतलब राजा की जो मर्जी चाहे वो करे और नागरिक सिटीजन्स के पास कोई भी राइट ना हो। तो ऐसा जो सिस्टम होता है उस सिस्टम को हम एब्सोल्यूटिस्ट सिस्टम कहते हैं। एग्जांपल के लिए आप बोल सकते हैं मोनार्कियल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रलाइज्ड मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव गवर्नमेंट, मतलब
जिसमें एक ही व्यक्ति की या कुछ लोगों की चले, बाकी लोगों की ना सुनी जाए बिल्कुल भी, और एक व्यक्ति अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर ले, वो सिस्टम होता है एब्सोल्यूटिस्ट सिस्टम। तो एब्सोल्यूटिस्ट सिस्टम की धज्जियां उड़ के ज़मीन पर पड़ी हुई हैं, ये दिखाया गया। और सूरो ने एक उटोपियन विजन दिखाया है। उटोपियन विजन का क्या मतलब है? देखिए, उटोपिया यहाँ पे हमें गिवन है, अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज़ सो आइडियल दैट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। उटोपिया का मतलब होता है किसी बहुत ही ऐसी अच्छी चीज़ को इमेजिन करना जो सच में हो पाना तो बड़ा मुश्किल होता है, तो वो होता है उटोपिया। तो ये सूरो जो थे, फ्रेडरिक सूरो, फ्रेंच आर्टिस्ट थे। इन्होंने अपनी पूरा का पूरा बताया हुआ है अपनी पेंटिंग में लिबर्टी के बारे में। और क्या बताते हैं ये कि एक प्रोसेशन है, मतलब जो पूरी यात्रा टाइप की निकल रही है उसमें लोगों ने अपने फ्लैग्स लिए हुए हैं, अपने अपने देशों के झंडे लिए हुए हैं और अपने देशों की कॉस्ट्यूम पहनी हुई है। मतलब जो आपके कपड़े होते हैं, आपके देश में जिस तरीके के कपड़े पहने जाते हैं वो आपने कपड़े पहने हुए हैं। ये प्रोसेशन कहाँ से निकल रहा है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से बाहर निकल रहा है। तो अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से आगे कौन कौन से देश निकल चुके हैं? यूएस और स्विट्जरलैंड। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से आगे निकल चुके हैं यूएस और स्विट्जरलैंड। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो देश है ना, वो उन देशों में ऑलरेडी जो है लिबरलिज्म के आइडियाज़, लिबर्टी के आइडियाज़ आ चुके हैं और ये नेशन स्टेट्स हैं। नेशन स्टेट्स का मैं अभी आपको मतलब पूरा बताऊंगी, क्वेश्चन के फॉर्म में भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि नेशन स्टेट होता क्या है। तो यूएस और स्विट्ज़रलैंड दोनों नेशन स्टेट बन चुके हैं। अब फ्रांस जो है उसमें रिवॉल्यूशनरी ट्राइकलर, फ्रांस को कैसे बता रखा है इन्होंने? एक ट्राइकलर मतलब उनके तिरंगा है, तीन रंग का झंडा है, जो बिल्कुल पहुंचा ही है अभी स्टैचू के पास। और शी इज़ फॉलोड बाय, मतलब फ्रांस को फॉलो कर रहे हैं जर्मनी के लोग, जिनके हाथ में ब्लैक, रेड और गोल्डन कलर का झंडा है। अब इंटरेस्टिंगली ये बोला गया है कि सूरो ने ये जो थे इन्होंने फ्रांस के लोगों को तो दिखाया ही दिखाया, जर्मनी के लोगों को भी झंडा लेके दिखा दिया। और उस समय तक जब ये पेंटिंग बनाई गई तब तक जर्मनी एक देश के तौर पर तो उभरा ही नहीं था। जर्मन पीपल अलग अलग देशों में रहते थे, एक यूनाइटेड नेशन नहीं बना था। अब फ्लैग जो था वो लिबरल होप्स के बारे में था, मतलब 1848 के टाइम में लोग ये होप कर रहे थे कि किस तरीके से उनकी ज़िंदगी पर से दूसरों का हक हटके उनका खुद का हक बनेगा। तो और वो ये भी दिखा रहे थे कि किस तरीके से यूनिफाई होंगे जर्मनी के लोग। अब जर्मन पीपल को और कौन फॉलो कर रहा है? ऑस्ट्रिया के लोग, किंगडम ऑफ टू सिसिली, लम्बार्डे और पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया, ये सारे के सारे लोग जर्मनी के भी पीछे हैं। सबसे आगे कौन है? यूएस है और स्विट्ज़रलैंड है, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से आगे निकल चुके हैं। मतलब उनके देश में लिबरल थॉट्स हैं, उनके देश में लिबर्टी है, आज़ादी है लोगों के पास। और वहाँ पर जस्ट कौन पहुँचा है? वहाँ पर फ्रांस पहुँच चुका है। फ्रांस के पीछे जर्मनी है, जर्मनी के पीछे बहुत सारे देश, ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसलीज, लम्बार्डे, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया, ये सारे के सारे और पीछे हैं। और हेवन से मतलब आसमान से और या फिर स्वर्ग से क्राइस्ट और बाकी सेंट जो साधु होते हैं और एंजल्स उन इस सीन को देख रहे हैं और वो सिंबलाइज कर रहे हैं फ्रेटर्निटी को, भाईचारे को, जो कि वर्ल्ड के नेशंस में, दुनिया के जो देश हैं उनके बीच में जो भाईचारा है उसको ये देख करके जो एंजल्स हैं वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि खुश हो रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग जो काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे, इस चैप्टर में आगे हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जर्मन रिवॉल्यूशन, रशिया में क्या चल रहा था, यूरोप के ऑलमोस्ट सारे देशों में किस तरीके से मतलब यूनाइट हुआ, जर्मनी, इटली है ना, ग्रीस कैसे आज़ाद हुआ, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है, नेपोलियनिक वॉर्स क्या हैं, ये सारा का सारा हम चैप्टर में देखेंगे। तो देखिए ये चैप्टर जो है ना, मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाऊंगी इसे। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा हॉचपॉच कर रखा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जर्मनी घुसा रखा है, जर्मनी में फ्रेंच घुसा रखा है। तो मैं ना आपको ऐसे करके बताऊंगी कि पहले पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फिर नेपोलियन ने क्या किया, फिर जर्मन रिवॉल्यूशन बिल्कुल अलग से, और इटालियन रिवॉल्यूशन बिल्कुल अलग से जो यूनिफिकेशन हुआ है इन सब का, क्योंकि इससे आपको भी अच्छे से समझ आएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा, चैप्टर में कन्फ्यूजन बढ़ा है। तो मैं अच्छे से आपको एक एक चीज़ बताऊंगी। तो फिर आगे ये बताते हैं कि जो सूरो हैं कि 19th सेंचुरी के टाइम में जो नेशनलिज्म बढ़ रहा था यूरोप में और बाकी दुनिया में भी फैल रहा था, कैसे पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे देश में, दुनिया में, और कैसे लोग नेशन स्टेट
पे पहुंच रहे थे इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप, मतलब जो राजा महाराजा का दौर था उससे कैसे लोग नेशन स्टेट में पहुंच रहे थे, और कॉन्सेप्ट जो मॉडर्न स्टेट का था जिसमें सेंट्रलाइज्ड पावर होती थी, मतलब एक व्यक्ति के पास या कुछ लोगों के पास सबसे ऊपर पावर होती थी, वो थे मॉडर्न स्टेट। उससे आगे बढ़कर नेशन स्टेट बन रहा था। नेशन स्टेट वो होता है इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डेसेंट। तो मतलब नेशन स्टेट बन रहा था। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, देखिए डिफरेंशिएट मैंने बताया हुआ है मॉडर्न स्टेट क्या होता है। सेंट्रलाइज्ड पावर होती है, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सोवरेन कंट्रोल ओवर अ डिफाइंड टेरिटरी, मतलब एक व्यक्ति या कुछ लोग मिल करके जो है वो पावर उनके पास रहती है, वो सारी चीज़ें चलाते हैं। तो ये है मॉडर्न स्टेट। नेशन स्टेट है मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स एंड नॉट ओनली रूलर्स डेवलप सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। तो इसमें क्या होता है, सारे सिटीजन मिल करके, सिर्फ रूलर, सिर्फ राजा ही नहीं, देश के सारे लोग मिल करके सब साथ आते हैं और वो ये डेवलप करते हैं कॉमन आइडेंटिटी कि हम सारे इसी देश के नागरिक हैं, हमारी हिस्ट्री सेम है, हमारे पूर्वज सेम हैं और हमें इस देश के लिए सब कुछ करना है। तो वो है नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नेशन स्टेट क्या होता है। अब देख लेते हैं प्लेबिसाइट क्या होता है। प्लेबिसाइट होता है एक डायरेक्ट वोट जिसमें लोगों से पूछा जाता है कि वो किसी चीज़ को हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे। तो वो होता है प्लेबिसाइट, अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल, मतलब ये राजा हटाना है हाँ या ना। तो इस राजा को, इस पर्सन को राजा बनना चाहिए, तो लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो होता है प्लेबिसाइट। तो ये हम लोगों ने स्टार्टिंग का पूरा देख लिया है कि क्या क्या था इसमें। अब जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए ना आपके लिए, मतलब मैंने क्या बनाए हैं, जो बोर्ड में आ रखे हैं मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगी सारे, जो आगे का पूरा चैप्टर कंप्लीट करूंगी उसमें मैं जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आ रखे हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड में आ रखे हैं वो भी सारे कवर करूंगी जिस टॉपिक के होंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आगे पूछे जा सकते हैं वो भी। तो ये वैसे मैंने आपसे पहले ही पूछ लिया था, टू विच कंट्री डिड द आर्टिस्ट फ्रेडरिक सूरो बिलोंग। फ्रेडरिक सूरो कौन सी कंट्री के थे, ये 2017 में क्वेश्चन आया है, फ्रांस के थे, हम लोगों ने स्टार्टिंग में देख लिया। अब ये वाला आंसर आप सोच लीजिएगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, नेम द फ्रेंच आर्टिस्ट हु प्रिपेयर्ड सीरीज ऑफ फोर प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ अ न्यू वर्ल्ड। कौन सा आर्टिस्ट था फ्रेंच का जिसने चार पेंटिंग्स बनाई थी और ड्रीम कि नया वर्ल्ड, नई दुनिया कैसी होगी, अभी नाम लिया था, जल्दी से आंसर दे दीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको आता है वीडियो को पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर प्रोवाइड करिए, ठीक है। तो इसका आंसर है फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सूरो। अब बिल्कुल आई गेस आपको याद हो गया होगा मैंने इनका नाम इतनी बार ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पेंटिंग प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सूरो इन 1848। तो कौन सी पेंटिंग बनाई थी, ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स द पैक्ट बिटवीन नेशंस 1848। अगर आपको ये वर्ड याद हो गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाएंगे कि भाई क्या है इस पेंटिंग का नाम। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीरियसली आपके एग्जाम में, आपके स्कूल के प्री बोर्ड्स वगैरह में कहीं भी पूछा जा सकता है और एग्जाम में भी आने के चांसेस हैं। आपको याद कर लेना है, आपकी हिस्ट्री बुक का पहला बनना है। तो ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स द पैक्ट बिटवीन नेशंस कब बनाई गई थी, 1848 में। अब नेक्स्ट जो है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थीम बतानी है, एक्सप्लेन द थीम ऑफ फ्रेडरिक सूरोस पेंटिंग। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है और हो सकता है इस बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाए। मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो देखिए हमने पूरा मैंने आपको पढ़ाया था, पेंटिंग क्या करती है, लोगों को दिखाती है यूरोप के और अमेरिका के, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट। ये मैंने बता दिया था कि लोग होमेज पे करते हुए जा रहे हैं जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी से आगे निकल रहे हैं। फीमेल फिगर वॉज शोन विद अ टॉर्च, फीमेल फिगर दिखाई गई विद अ टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन द अदर। इसका मतलब भी मैंने आपको समझा दिया था। तीसरा पॉइंट आप क्वेश्चन में लिख सकते हैं, ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द शटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस जो है, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका रिविजन चल रहा है क्योंकि मैंने आपको सारा समझा दिया है। मतलब जो अथॉरिटी, जो राजा महाराजा, जो लैंड लॉर्ड्स, ये सब लोग उन पर गरीब लोगों पर अपना जुर्म ढाया करते थे, वो ज़मीन पर पड़े हुए हैं,
इस तरह से दिखाया गया है. सूरोज यूटोपियन विजन, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स. तो लोगों को कैसे दिखाया है सूरो ने, यूटोपियन वर्ल्ड मतलब बहुत ही अच्छे वर्ल्ड की कामना, तो लोगों को दिखाया उनके फ्लैग्स हैं, उनकी अलग कॉस्ट्यूम्स हैं इस तरीके से. From heavens above, Christ and angels gaze upon the scene. They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nations of the world. तो वो दिखाया है मतलब भगवान जो हैं एंजल और जीसस क्राइस्ट वो पूरी दुनिया को देख रहे हैं. तो दिखाया गया है आर्टिस्ट के द्वारा कि पूरी दुनिया में भाईचारा है, फ्रेटर्निटी है. मॉडर्न स्टेट का हमने देख लिया था, सेंट्रलाइज्ड पावर बिटवीन एक्सरसाइज बाय सोवरेन कंट्रोल ओवर डिफाइंड टेरिटरी, मतलब एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन थोड़े से लोग लोगों पे राज करते हैं. और नेशन स्टेट वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट इन विच मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड रूलर्स डेवलप सेंस ऑफ कॉमन बिलोंगिंग एंड शेयर हिस्ट्री और डिसेंट, मतलब लोग जो सिटीजन्स हैं मेजॉरिटी मोस्टली सिटीजन्स आपस में ऐसा सेंस डेवलप करते हैं कि हम इसी देश के हैं, ये हमारा देश है, हमारी हिस्ट्री कॉमन रही है, हमारा डिसेंट कॉमन रहा है. डिसेंट का मतलब होता है जो पूर्वजों से चला आ रहा है और उसी देश को वो अपना देश मानते हैं और सब कुछ उसके लिए करने के तैयार रहते हैं. तो ये हमारे हो गया एक पार्ट इस चैप्टर का. आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा. अगर आप लोग चाहते हैं मैं कंटिन्यू करूं आगे के पार्ट्स, तो जितने भी लोग देख रहे हैं सबको लाइक करना है वीडियो को, तभी मैं आगे का वीडियो बनाऊंगी. कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस तरीके से मैं और चैप्टर में इम्प्रूवमेंट ला सकती हूं, और अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं आगे जल्दी ही चैप्टर कम्प्लीट करूँगी. थैंक यू.